आइए मिस्टर विजय, मुझे आपकी बेटी कनक के बारे में कुछ बात करनी है। कनक बहुत ही होशियार बच्ची है, पूरे स्कूल में उसके 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। आप देखना, एक ना एक दिन वह आपका नाम जरूर रोशन करेगी और भविष्य में भी बहुत ऊंचे पद पर नौकरी करेगी, क्योंकि कनक के अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा है। टीचर के मुंह से अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनने के बाद मिस्टर विजय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कनक को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरी गुड़िया, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। घर आकर विजय ने ये बात अपनी पत्नी रूपाली और अपनी माँ से भी बताई। रूपाली ने भी अपनी बेटी कनक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और रसोई में हलवा बनाने के लिए चली गई, ताकि सबका मुंह मीठा करा सके। कनक ने अपनी दादी को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ दादी, आपको मेरे रिजल्ट की खुशी नहीं हुई क्या? तभी विजय ने पूछा, हाँ माँ, क्या हुआ, आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी है, कुछ तो बोलिए। अब लल्ला, हम क्या बोले, तुम तो हमारी एक बात भी सुनने वाले हो नहीं। लड़की जात है, क्या करेगी आगे पढ़कर, स्कूल तो इसने पूरा कर ही लिया है, अब चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए, करना तो इसे ससुराल में चूल्हा चौका ही है ना। नहीं माँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को आगे खूब पढ़ाऊंगा और इसे इस काबिल बनाऊंगा कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तभी कनक की माँ रूपाली ने भी अपने पति विजय का समर्थन करते हुए कहा, हाँ माँ, आजकल तो लड़कियां खूब पढ़ लिख रही है और हमें भी अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाना चाहिए, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। अरे तुम तो चुप करो बहुरिया, दो दो लड़की जनी हो, यही अगर एक पोता हो जाता तो हम गंगा नहा लेते, लेकिन यहाँ तो कनक के बाद दूसरी पोती कुहू भी तो है, कितना खर्चा करेंगे इन लड़कियों पर। रूपाली चुपचाप रसोई घर में चली गई, क्योंकि उसे पता था कि माँ जी अपने आगे किसी की एक भी नहीं सुनने वाली है और ये घर में रोज की बात हो गई थी। रोज उसे बेटा ना होने की वजह से ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहती थी। फिर विजय जी ने एक अच्छे से कॉलेज में कनक का दाखिला करा दिया और कनक भी बहुत खुश थी, लेकिन दादी पुराने ख्यालों की थी, वो नहीं चाहती थी कि लड़की बाहर जाकर पढ़ाई करे। उनका मन यही था कि जल्द से जल्द कनक की शादी हो जाए और वो इज्जत से अपने ससुराल चली जाए। और फिर चुपके चुपके दादी ने अपनी पोती कनक के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अब तक कनक भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी और आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। तभी एक दिन कनक के लिए रितेश का रिश्ता आता है। दादी को रितेश बहुत पसंद आया और वह चाहती थी कि कनक भी उससे एक बार मिल ले, लेकिन कनक और उसके पापा अभी शादी के लिए तैयार नहीं थे, जैसा कि आम तौर पर हर भारतीय परिवार में होता आया है। दादी जी कनक की शादी करवाने पर अड़ी हुई थी, इसके लिए उन्होंने सबको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सब ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन दादी तो खाना पीना छोड़कर बैठ गई। लेकिन विजय जी ने भी ठान लिया था कि वह अपनी बेटी कनक का ही साथ देंगे। फिर दादी ने बीमारी का बहाना लेकर एक नया हथियार अपनाया और अपनी बात मनवाने के लिए कहा कि लड़के वालों को कोई एतराज नहीं है कि कनक शादी के बाद पढ़े या नौकरी करे, वह अपनी ससुराल में भी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती है। अब तो दादी की ड्रामेबाजी और भी बढ़ती गई और मजबूरन कनक ने शादी के लिए हाँ कह दी। कुछ महीनों बाद कनक की शादी हो गई और वह दुल्हन बनकर रितेश के घर चली गई। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही पता चला कि रितेश को शराब पीने की आदत है। कुछ समय बाद ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर में बैठ गया। अब तो घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया था। अगर कनक अपने सास ससुर को कुछ बोलती तो वो लोग भी उल्टा कनक को ही दोषी ठहराते और कहते हैं कि शादी के बाद हमारे बेटे की ये हालत हो गई है। कनक चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए कनक ने सोचा कि क्यों ना वो खुद ही कोई नौकरी कर ले, ताकि घर का गुजर बसर हो सके। लेकिन रितेश को कनक का यूं बाहर जाकर नौकरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अब कनक के चरित्र पर उंगली उठानी शुरू कर दी। अब ये सब कनक के बर्दाश्त से बाहर हो गया था,
इसलिए वह चुपचाप अपना सामान लेकर अपने मायके वापस आ गई। जब घर आकर उसने ये सारी बात अपने माता पिता और दादी को बताई तो विजय जी को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में कनक के ससुराल जा रहे थे, लेकिन कनक ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा, पापा अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी, मैं आगे पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी, आप मेरा साथ दोगे ना पापा, और अपने पापा के सीने से लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। फिर विजय जी ने पीछे मुड़कर अपनी माँ की ओर गुस्से से देखा और कहा, काश कि माँ मैंने आपकी बात नहीं मानी होती, काश कि मैंने अपनी बेटी का साथ दिया होता, काश कि मैंने उसको आगे पढ़ाया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। दादी भी चुपचाप विजय की बातें सुन रही थी और अंदर ही अंदर वह भी आत्मग्लानी से भर गई थी। लेकिन समय निकल जाने के बाद इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा भविष्य उसी पर टिका रहता है। हमारा एक गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। हम आगे निकल जाते हैं लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ एक शब्द रह जाता है और वह है काश। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।